हाँ जी बेटा, गुड आफ्टरनून। कल वाले लेक्चर में हम लोगों ने रेशियो चैप्टर को रिवाइज किया था। उम्मीद है आप सभी लोगों ने सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे और आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा। आज हम लोग की रिवीजन लेक्चर की सीरीज का सेकंड लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आज बेटा इसमें हम लोग टॉपिक करेंगे प्रपोर्शन। सारा का सारा चैप्टर एक ही लेक्चर में फिनिश कर लेंगे, सारी थ्योरी और बिल्कुल कल के तरीके से जो मेरा पैटर्न है। सारे क्वेश्चंस मैंने फिर से कंपाइल किए हुए हैं प्रपोर्शन चैप्टर के, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से क्वेश्चंस डाउनलोड करो, वीडियो देखो, क्वेश्चंस लगाओ और खूब अच्छे नंबर लेके आओ। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग का चैप्टर प्रपोर्शन। तो फर्स्ट चैप्टर का सेकंड टॉपिक ये रहा प्रपोर्शन। अब प्रपोर्शन क्या होता है बेटा, आइए देखिए। देखिए प्रोपोर्शन क्या होता है, सबसे पहले कंसेप्ट वन में हम लोग डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन आखिर होता क्या है, तो सुनिए। अगर हमने ए का रेशियो बी से, सपोज करिए ए की वैल्यू है 10 और बी की वैल्यू है 20, सी की वैल्यू है 40 और डी की वैल्यू है 80। अगर हम ए और बी का रेशियो निकालें तो ये आता है 10:2:20। मीन्स अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाएगा 1/2। अगर हम सी और डी का रेशियो निकालें तो ये आता है 40/80। मीन्स ये फिर से आ गया बेटा, फिर से आ गया 1/2। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ये बोल सकता हूँ ए और बी का रेशियो सी और डी के रेशियो के बराबर है और ये है 1/2? इस पूरे एग्जाम्पल से ये कंक्लूजन हम लोग निकाल सकते हैं ना, क्या इससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ए का बी से जैसा ही रेशियो है वैसा रेशियो सी का डी से है? तो अगर ये कंडीशन आती है तो हम बोलते हैं ए बी सी डी आर इन प्रपोर्शन, ए बी सी डी आर इन प्रपोर्शन। और इसको लिखते हैं ए इज टू बी इन प्रपोर्शन विथ सी इज टू डी। एक इसका मतलब क्या हुआ, ए का बी से वैसा ही रेशियो है जैसा सी का डी से है ना, जिसमें बेटा ए और डी इनको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम्स, बी और सी को हम लोग बोलते हैं मीन्स, और ए बी सी और डी को इंडिविजुअली हम लोग बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो कुल मिला के क्या बताया मैंने, एक बार फिर से जरा समराइज करते हैं। अगर ए और बी का रेशियो सी और डी के बराबर है तो हम बोलते हैं ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन, आर इन प्रोपोर्शन। इसको लिखेंगे कैसे, ए रेशियो बी इन प्रोपोर्शन टू सी रेशियो डी। ए और डी को क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम्स, बी और सी को क्या बोलेंगे, मीन्स, और सबको इंडिविजुअली ए बी और सी डी को, ए हो गया फर्स्ट प्रोपोर्शनल, बी हो गया सेकंड प्रोपोर्शनल, सी हो गया थर्ड प्रोपोर्शनल और डी हो गया फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो ये प्रोपोर्शन का मीनिंग हुआ। मीन्स जो लास्ट चैप्टर हमने किया था रेशियो, उसमें सिर्फ दो क्वांटिटीज होती हैं जिसको हम कंपेयर करते हैं, यहाँ पे एटलीस्ट फोर होंगी क्योंकि प्रोपोर्शन के लिए हमें चाहिए दो रेशियो, और प्रोपोर्शन के लिए चाहिए दो रेशियो और एक रेशियो के लिए दो क्वांटिटी, तो दो रेशियो के लिए चार क्वांटिटी। आइए जरा रीड करते हैं क्या लिखा हम लोगों ने। द इक्वेलिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। दो रेशियो की इक्वेलिटी को क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन। इफ रेशियो ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी, अगर ए बाई बी रेशियो सी बाई डी के बराबर है तो हम बोलेंगे ए बी सी डी किस में है, प्रपोर्शन में है। प्रपोर्शन ऑफ ए बी सी एंड डी इज रिटन एज ए इज टू बी इन प्रपोर्शन विथ सी इज टू डी, मैंने बताया आपको। इसमें ए और डी को बोलते हैं एक्सट्रीम्स, बी और सी को बोलते हैं मीन्स। अलग अलग बोलें तो ए हो गया फर्स्ट, बी सेकेंड, सी थर्ड और डी फोर्थ प्रपोर्शनल। तो ये प्रोपोर्शन का मीनिंग हुआ, अगर दो रेशियोज आपस में इक्वल हैं तो उनकी इस इक्वेलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन बोलते हैं, उसकी इक्वेलिटी को हम लोग प्रोपोर्शन बोलते हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा।
उम्मीद है आपको ये पहला कंसेप्ट प्रोपोर्शन का मीनिंग समझ में आ गया होगा कि अगर दो रेशियोज आपस में इक्वल हैं तो उसकी इस इक्वालिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन बोलते हैं। ठीक है, अब कंसेप्ट टू की तरफ आते हैं फटाफट। अब इसमें हम लोग करेंगे प्रोपोर्शन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो देखिए क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, आप बताओ। अभी मैंने आपको बताया कि अगर ए और बी का रेशियो सी और डी के बराबर है तो हम बोलेंगे ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन। अब मुझे बताओ बेटा, अगर मैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो ए और डी का मल्टीप्लिकेशन बी और सी के बराबर आता है? ये ए और डी का मल्टीप्लिकेशन बी और सी के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आता है? अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ए और डी क्या थे, एक्सट्रीम्स। तो ये क्या हुआ, ये हुआ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। बी और सी के बारे में क्या पढ़ा था हम लोगों ने, मीन। तो बी और सी का मल्टीप्लीकेशन क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो अब यहां से एक प्रॉपर्टी आती है, इफ ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन देन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, क्या, इफ फोर क्वांटिटीज आर इन प्रोपोर्शन देन ऑलवेज प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। और अगर अगर प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के बराबर है तो इन दोनों का रेशियो अगर मुझे निकालना हो, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन, अगर मुझे इसका रेशियो निकालना हो तो ये रेशियो हमेशा कितना आएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं तो इसका रेशियो आएगा वन। इसका रेशियो क्या आएगा, वन आएगा। ठीक है, ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है। देखिए हमने यहां पे लिखा, If four quantities are in proportion, then always product of extremes equals to product of means. तो इनका रेशियो हो जाएगा वन। दूसरी बात बेटा यहां देखो, बताइए अभी हमने प्रपोर्शन के बारे में क्या सीखा, अगर ए और बी का रेशियो सी और डी के बराबर हो, अगर ए और बी का रेशियो सी और डी के बराबर है तो हम बोलते हैं ए बी सी डी आर इन प्रपोर्शन। तो एक प्रोपोर्शन के लिए, एक प्रोपोर्शन के लिए एक रेशियो, दो रेशियो, दो रेशियोज चाहिए, और एक रेशियो के लिए दो क्वांटिटी। तो दो रेशियो के लिए हमें चाहिए एटलीस्ट फोर क्वांटिटीज। लेकिन क्या हो अगर ऐसा हो, कैसा, यहां देखिए मैं लिखता हूं, इफ ए बी सी आर इन प्रोपोर्शन, इफ ए बी सी आर इन प्रोपोर्शन, ए बी सी प्रोपोर्शन में। सर प्रोपोर्शन के लिए तो चार क्वांटिटीज चाहिए बेटा, देखो तो अगर ए बी सी प्रोपोर्शन में है तो ये तभी पॉसिबल होगा जब ए का बी से जैसा रेशियो है वैसा ही रेशियो बी का सी से हो। अगर ए का जैसा रेशियो बी से है, बी का सेम रेशियो सी से हो, तो हम बोलेंगे ना ए बी सी आर इन प्रोपोर्शन। जैसे यहां देखो, ए बी और सी मान लो तीन इंप्लॉई हैं, किसी कंपनी में जॉब करते हैं। ए की सैलरी है 15,000 पर मंथ, बी की सैलरी है 30,000 पर मंथ, सी की सैलरी है 60,000 पर मंथ। अब मुझे बताओ इन दोनों का रेशियो निकालो, ए और बी का रेशियो निकालोगे तो ये आ जाएगा 15,000 डिवाइडेड बाई 30,000, मीन्स ये आ गया 1/2। अगर यहाँ से बी और सी का रेशियो निकालो तो ये आ गया बेटा 30,000 डिवाइडेड बाई 60,000, इट इज़ अगेन 1/2। तो हुआ ना यहाँ पे, ए का बी से जैसा रेशियो है, बी का वैसा ही रेशियो किससे है, सी से है। तो अब अगर हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, या बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए सी। तो यहाँ ये जो बी है, बी को हम लोग बोलते हैं मीन प्रोपोर्शनल। क्या बोलेंगे, मीन प्रोपोर्शनल। अब इसमें तीन चीजें हुई ना, ए बी और सी। तो ए हो गया फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सी हो गया थर्ड प्रोपोर्शनल, बी हो गया मीन प्रोपोर्शनल। तो प्रॉपर्टी क्या हुई, पहली प्रॉपर्टी थी अगर दो रेशियोज आपस में इक्वेट कर रहे हैं, मिलके प्रोपोर्शन बना रहे हैं, तो हमेशा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन के। दूसरी प्रॉपर्टी क्या हुई, अगर ए बी सी प्रोपोर्शन में है तो हमेशा क्या होगा, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, और बी क्या होगा, ए और सी का मीन प्रोपोर्शनल। ये हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी थी। आइए देखिए, तो हमने लिखा, इफ ए बी सी आर इन प्रोपोर्शन देन ए बाई बी इक्वल्स टू बी बाई सी।
सो बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, वी कैन ऑल्सो राइट बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए सी, बी जो होगा वो ए और सी का स्क्वायर रूट होगा, है ना, बी जो होगा वो ए और सी का स्क्वायर रूट होगा। तो हम लोगों ने प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ लिया, प्रोपोर्शन की जो प्रॉपर्टीज है वो डिस्कस कर ली, और अब आइए इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हाँ जी बेटा, तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मैंने प्रोपोर्शन के बारे में सब कुछ आपको डिस्कस किया, आइए देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ दिस, तो अब याद करो फोर्थ प्रोपोर्शनल कौन सा होता था, बिल्कुल लास्ट टर्म, तो इसका मतलब क्या हुआ, फोर सिक्स एट, फोर सिक्स, फोर सिक्स एट और लास्ट टर्म, ये प्रोपोर्शन में होंगे तभी तो लास्ट वाला फोर्थ प्रोपोर्शनल होगा। अब वो बोलता है फोर्थ प्रोपोर्शनल बताओ, तो क्या लिखोगे, फोर बाई सिक्स इक्वल्स टू एट बाई एक्स, और यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 4x इक्वल्स टू 48, x की वैल्यू आ गई 48 डिवाइडेड बाय 4, मीन्स ये कितनी आ जाएगी 12, तो ए ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा जरा, कहता है फोर्थ प्रोपोर्शनल इसका बताना है, तो सिमिलर फिर से वही, इसका मतलब क्या होगा, 2a और a स्क्वायर का जैसा रेशियो होगा वैसा ही c का किस किसके साथ होगा, x के साथ। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2a का जैसा रेशियो a स्क्वायर से होगा वैसा ही c का रेशियो होगा फोर्थ टर्म के साथ, और अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो 2ax equals to a स्क्वायर इंटू c, x की वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर इंटू c अपॉन 2a, ए से ए कैंसिल कर लिया तो अल्टीमेटली ये आ गया ए सी डिवाइडेड बाई 2, और ये कौन सा आंसर है, फर्स्ट वाला आंसर है हम लोग का, फर्स्ट वाला। तो इस तरीके से फोर्थ प्रोपोर्शनल के क्वेश्चंस किए हम लोगों ने। नेक्स्ट, अगला देखो, बोलता है मीन प्रोपोर्शनल, थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन कहता है मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 25 एंड 81। अब याद करो अभी कैसे पढ़ाया था आपको, अभी मैंने बताया था मीन प्रोपोर्शनल के बारे में, अगर ए बी सी तीन टर्म है तो बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए सी, और बी ही होता है मीन प्रोपोर्शनल, तो इसका मतलब जो एक्सट्रीम टर्म्स हैं उसको मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट कर दो, क्या मिल जाएगा, मीन प्रोपोर्शनल। तो अगर हम यहां इस क्वेश्चन पे आ जाएं, मुझे चाहिए मीन प्रोपोर्शनल 25 और 81 का, तो बेटा हम लिखेंगे इसका मीन प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 इंटू 81, इसको आप लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ 25 स्क्वायर रूट ऑफ 81, दिस इज 5, दिस इज 9, 9 5 इज 45, सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये हो गया इसका मीन प्रोपोर्शनल, ये हो गया मीन प्रोपोर्शनल, आगे ये हो गया मीन प्रोपोर्शनल। क्वेश्चन नंबर 7 जरा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 इसमें लिख रखा है मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 12x² 27y² 12x² 27y² का मीन प्रोपोर्शनल चाहिए, तो इसका जो भी मीन प्रोपोर्शनल होगा वो दोनों को मल्टीप्लाई करके इनका स्क्वायर रूट कर दो, स्क्वायर रूट कर दो। अब हम इसको लिख सकते हैं बेटा स्क्वायर रूट के अंदर 12 × 27 x² × y² × x² × y², तो अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ गया 12 × 27, दिस इज 324, और इसके साथ में x² y² आपने इंडिसेस में प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी सी कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर रूट ऑफ सी, तो हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 324 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर, दिस इज वाई दिस इज एक्स, और इसका स्क्वायर रूट आ गया 18, तो मीन प्रोपोर्शनल कितना आ गया 18xy इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ दिस क्वेश्चन, तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है।
तो हमने प्रोपोर्शन की मीनिंग पढ़ ली, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ ली और उस पे क्वेश्चन भी किए। एक और क्वेश्चन आप देखना जरा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन, ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं, उसके बाद ही कर पाएंगे। अब देखो बेटा, दो कंसेप्ट हम लोगों ने किए अभी तक, अब तीसरा कंसेप्ट आप देखना जरा। तीसरा कंसेप्ट ये है, हमारे पास कुछ रेशियोज के क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जांपल, रेशियोज के क्वेश्चन का मतलब, सर हम तो प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं। हाँ बेटा, प्रोपोर्शन पढ़ रहे हो, प्रोपोर्शन के क्वेश्चन में कई रेशियोज दिए होंगे और एक रेशियो पूछा जाएगा। फॉर जैसे ये क्वेश्चन आप देखो, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें लिखा है ए डिवाइडेड बाई 3। मैं यहां लिखता हूं क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 मेरे पास, जो मैंने आपको शीट दी उसका प्रिंट आउट है, तो मैं इससे लिखता हूं। इसमें लिखा है ए डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू बी डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू सी डिवाइडेड बाई 7। हमें चाहिए ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई सी की वैल्यू, ये चाहिए। तो इसको कैसे आप करोगे, ट्रिक से फटाफट हम लोग कर लेंगे। अब इसमें हम ए की जगह पे 3, बी की जगह पे 4, सी की जगह पे 7 पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई सी, ये हो गया 3 प्लस 4 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 7, मीन्स 14 बाई 7, मीन्स इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो इसकी वैल्यू आ गई 2। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे जिसमें हमें एक रेशियो दे रखा है, कुछ रेशियोज इक्वल दिए हैं और एक वैल्यू चाहिए एक रेशियो की, तो उसमें वैल्यू पुट करके ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। और भी अपने पास क्वेश्चन है कई सारे, ये देखो 14 वाला, 14 में इसमें भी कैसे करो, एक्स की जगह 2, वाई की जगह 3, जेड की जगह 7 पुट करो, आंसर आ जाएगा। बेटा बहुत सारी ट्रिक्स हम लोग करते हैं अपने क्लासरूम प्रोग्राम में, फेस टू फेस क्लासेस में या लाइव क्लासेस में या रिकॉर्डेड क्लासेस में। अब रिवीजन में उतना टाइम नहीं है कि एक एक ट्रिक डिस्कस की जा सके, कुछ ट्रिक्स जितनी पॉसिबल हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, तो अब अगर हम वैल्यू रखेंगे तो 2x माइनस 5y प्लस 4z डिवाइडेड बाई 2y, इसकी वैल्यू चाहिए। तो 2x की जगह पर रखेंगे 2, 5y की जगह पर रखेंगे 3 और 4z की जगह पर रखेंगे हम लोग 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू वाई, वाई का मतलब हो गया 3। सिंप्लीफाई कर लो, 4 माइनस 15 प्लस 28 डिवाइडेड बाई 6, और ये आ गया हम लोग के पास 28 प्लस 4 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 6, 17 बाई 6 आ गया ये, विच इज आवर लास्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस कर लोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब अगला टॉपिक हम लोग को करना है प्रोपोर्शन के बारे में, डिराइव्ड प्रोपोर्शन। आइए जरा, डिराइव्ड प्रोपोर्शन, डिराइव्ड प्रोपोर्शन क्या होता है। कल जैसे रेशियो वाला टॉपिक किया था बेटा, ठीक वैसे ही आज रेशियो में कल डिराइव्ड प्रोपोर्शन किया था, वैसे आज रेशियो में कल डिराइव्ड रेशियो किया था, प्रोपोर्शन में वैसे ही आज करेंगे डिराइव्ड प्रोपोर्शन। अभी क्या होता है डिराइव्ड प्रोपोर्शन, समझिएगा। देखिए, अगर ए इज टू बी सी इज टू डी के इक्वल दे रखा है, तो इसका मतलब हुआ ए बी सी डी प्रोपोर्शन में है। अब क्या हुआ, हमारे मैथमेटिशियंस ने इस पे कुछ एक्सपेरिमेंट करके कुछ रिजल्ट्स निकाले, उसको ऑब्जर्व किया और उसको एक जगह पे कंपाइल कर दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड प्रोपोर्शन, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड प्रोपोर्शन। तो वो क्या है, मैं एक एक करके बताता हूँ। पहला कहा जाता है, इफ ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन, अगर ए बी सी डी प्रोपोर्शन में है तो, पहला है बेटा बाई इनवर्टेंडो, इनवर्टेंडो बी वाई ए विल बी इक्वल्स टू डी वाई सी। इनवर्टेंडो से अगर ए बाई बी सी बाई डी के बराबर है तो दोनों का इनवर्स कर दो, तो बी बाई ए किसके बराबर होगा, डी बाई सी के बराबर होगा। दोनों का इनवर्स कर दें
तो बी बाई ए किसके बराबर होगा? डी बाई ए के बराबर होगा। इसको हम लोग बोलते हैं इनवर्टेंडो। जैसे एक आप ये क्वेश्चन देखो 19, इसमें लिखा है एक्स इज टू वाई, इफ एक्स एक्स इज टू वाई इक्वल्स टू जेड बाई डब्ल्यू इम्प्लाइज दैट एक्स वाई बाई एक्स इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई जेड। देखो दोनों का रेसिप्रोकल कर दिया, तो कहता है दिस प्रोसेस इज नोन एज, तो क्या बोलेंगे इसको? इनवर्टेंडो। लेकिन इनवर्टेंडो तो हमारे चॉइस में ही नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? नन ऑफ दिस। तो इनवर्टेंडो क्लियर हो गया होगा। अगला होता है बेटा ऑल्टरनेंडो। ऑल्टरनेंडो ऑल्टरनेंडो क्या होता है? ऑल्टरनेंडो होता है अगर ए बी सी डी आपस में प्रोपोर्शन में है, तो ए का रेशियो सी से निकालो, ये बराबर होगा बी और डी के रेशियो के, ये बी और डी के रेशियो के। आपको खाली रिजल्ट्स याद रखने हैं। तो पहला क्या हुआ? इफ ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन देन बी बाई ए विल बी इक्वल्स टू डी बाई सी, और बाई इनवर्टेंडो बाई ऑल्टरनेंडो ए बाई सी विल बी इक्वल्स टू बी बाई डी। तीसरा बाई कंपोनेंडो, बाई कंपोनेंडो ये हो जाएगा ए प्लस बी अपॉन बी इक्वल्स टू सी प्लस डी अपॉन डी। जब हमने रेसिप्रोकल किया तो इनवर्टेंडो, जब ऑल्टरनेट टर्म से रेशियो निकाल लिया तो ऑल्टरनेंडो, और ये देखो ना ए बाई बी सी बाई डी के बराबर है, यहाँ यही तो लिखा हुआ है। तो अगर हम यहाँ न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड कर दें दोनों के, तो ये जो रेशियो है इसको बोलेंगे कंपोनेंडो। ए प्लस बी अपॉन बी विल बी इक्वल्स टू सी प्लस डी अपॉन डी। अगला है बाई डिविडेंडो। डिविडेंडो तो ए अगर ए बाई बी सी बाई डी के इक्वल है तो न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर माइनस करो, अब ये रेशियो इस रेशियो के बराबर होगा। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डिविडेंडो। इन्वर्टेंडो में रेसिप्रोकल हो गया, ऑल्टरनेंडो में ऑल्टरनेट टर्म से रेशियो निकाल लिया, कंपोनेंडो में न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड कर दिया, डिविडेंडो में कंपोनेंट न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर माइनस कर दिया। अगला होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो ये हो जाएगा ए बाई बी सी बाई डी के बराबर था, अब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड करो तो ये हुआ कंपोनेंडो, फिर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर माइनस करो तो ये हुआ डिविडेंडो। ऐड करने को कंपोनेंडो, सब्ट्रैक्ट करने को डिविडेंडो, दोनों एक साथ करने को कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। आपको ये रिजल्ट्स याद रखने हैं बेटा। अब ये रिवीजन का टाइम है तो हमें तो क्विकली करना है, फटाफट। मैंने नाम ही रखा है फास्ट रिवीजन, वरना जब हम क्लासेस में इसको करते हैं तो एक एक चीज़ प्रूव करके हर एक चीज़ की प्रूविंग देता हूँ मैं। लेकिन फिलहाल आपको रिजल्ट याद रखने हैं, प्रूविंग नहीं, तो इससे इजीली हमारा काम चल जाएगा। तो हमने पढ़ा इन्वर्टेंडो, ऑल्टरनेंडो, कंपोनेंडो, डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। दो और रह जाते हैं, एक एडेंडो और अगला है सब ट्रेंडो। एडेंडो क्या है? कहता है इफ ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी, इफ ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी, तो एडेंडो बोलता है इन दोनों को ऐड कर लें और इन दोनों को ऐड कर लें तो इनका जो रेशियो है वो इन रेशियोज के बराबर आएगा। ये सारे रेशियोज बराबर होंगे। जबकि सब ट्रेंडो बोलता है अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालें, इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो ये रेशियो इन रेशियोज के बराबर होगा। इसको बोलते हैं सब ट्रेंडो। तो चलो फटाफट रिकॉल करते हैं, इन्वर्टेंडो में रेसिप्रोकल, ऑल्टरनेंडो में ऑल्टरनेट टर्म से रेशियो निकाल लिया, कंपोनेंडो में ऐड कर लिया, डिविडेंडो में सब्ट्रैक्ट कर दिया, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में ऐड सब्ट्रैक्ट दोनों किया, एडेंडो में ऐड सब ट्रेंडो में सब्ट्रैक्ट, तो सब में एडिशन सब्ट्रैक्शन यही सब हो रहा है। तो आपको ये रिजल्ट्स याद रखने हैं जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। इसी पे अपने पास थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, दोनों ही आपको याद रखने हैं, ठीक है? तो आइए,
इस पे मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ आपको। ये देखिए जरा, एक 19 क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, 19 हमने कर लिया। जरा 20 आप देखना, इसमें लिखा है पी बाई क्यू इक्वल्स टू आर बाई एस इक्वल्स टू पी माइनस आर अपॉन क्यू माइनस एस। अब याद करो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये है सब ट्रेंडो। अब ये लास्ट में कराया, सब ट्रेंडो में क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों के डिफरेंस का रेशियो इन्हीं रेशियोज के बराबर आता है। आगे अगला ये देखिए, 21 में लिखा हुआ है ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी। और यहां मैं लिखता हूं 21 क्वेश्चन, इफ ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी, तो यहां से लिख दिया गया ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी विल बी इक्वल्स टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। आप बताओ ये क्या होगा, ऐड भी हो रहा है सब्ट्रैक्ट भी हो रहा है। ऐड करने को क्या बोलते हो, कंपोनेंडो। सब्ट्रैक्ट करने को, ऐड करने को कंपोनेंडो, सब्ट्रैक्ट करने को डिविडेंडो। दोनों एक साथ हो रहे हैं तो क्या लिखेंगे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो इस तरीके से इन पे हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। अब इसमें एक दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो हम लोग के एग्जाम में भी आए हुए हैं, वो मैं आपको कराता हूँ। सामने देखिए, अब देखिए हमारे पास, मैं जरा प्रिंट आउट से देखता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो देखिए, एक 11 क्वेश्चन है, ये रहा 11 क्वेश्चन। देखो इसमें लिखा है बेटा, समझना अच्छे से, 11 ये एग्जाम में भी आया है, एक्स डिवाइडेड बाई वाई इक्वल्स टू जेड बाई डब्ल्यू इक्वल्स टू 2.5 अपॉन 1.5, ये दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, अब क्वेश्चन छोड़ो, पहले मुझे एक बात बता दो, फिर मैं क्वेश्चन में लिखवाता हूँ। बताओ अगर एक्स बाई वाई जेड बाई डब्ल्यू के बराबर है, तो ये बताओ मुझे, मैं लिख सकता हूँ ना बाई एडेंडो एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू जेड बाई डब्ल्यू इक्वल्स टू एक्स प्लस जेड अपॉन वाई प्लस डब्ल्यू। लिख सकते हैं कि नहीं, जैसा ये रेशियो है जैसा ये है वैसा ये होगा। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। तो अब अपना क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में लिखा है एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू जेड बाई डब्ल्यू इक्वल्स टू 2.5 अपॉन 1.5। अब हमसे कहता है ये देखो, एक्स प्लस जेड वाई प्लस डब्ल्यू की वैल्यू बताओ। तो एक्स प्लस जेड और वाई प्लस डब्ल्यू की वैल्यू पूछा है। अब बेटा आप एक बात बताओ, अगर क्वेश्चन में ये लिखा है ये 2.5 अपॉन 1.5 के बराबर है, तो इसका मतलब होगा ये भी तो 2.5 अपॉन 1.5 के बराबर होगा। तो ये रेशियो भी इसके बराबर होगा, ये रेशियो भी बराबर होगा, ये रेशियो भी बराबर होगा। तो हम बोल सकते हैं ना, एक्स प्लस जेड अपॉन वाई प्लस डब्ल्यू ये किसके बराबर होगा, 2.5 अपॉन 1.5। एक एक प्लेस पे डेसिमल है, रिमूव कर दें अगर, तो 5 5 जा 2.5 अपॉन 1.5 रिमूव कर दें तो ये आ गया 5 5 जा 5 3 जा। रेशियो कितना बना, 5:3। सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं डिराइव्ड रेशियोज। तो ये हमारा कंसेप्ट था डिराइव्ड रेशियो का। इसमें हम लोगों ने, मैंने आपको बताया, इन्वर्टेंडो ऑल्टरनेंडो कंपोनेंडो डिविडेंडो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो एडेंडो और सबट्रेंडो, तो हमने इन पे क्वेश्चंस किया। आगे अब जो अगला टॉपिक हम लोग का आता है वो कुछ ऐसा आता है। ये है हमारे पास एक क्वेश्चन, आप देखो। तब तक ये बताओ जरा, देखो क्या लिखा है, ए बाई फोर इक्वल्स टू बी बाई फाइव, से इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो ए प्लस फोर कंपोनेंडो, बी प्लस फाइव कंपोनेंडो, ए माइनस फोर डिविडेंडो, बी माइनस फाइव डिविडेंडो। तो यही वाला करेक्ट होगा बिकॉज दिस इज कंपोनेंडो एज वेल एज डिविडेंडो, कंपोनेंडो एज वेल एज डिविडेंडो, है ना। चलो अब जो मैं अगला टॉपिक कराना चाहता हूं, मैं कराना चाहता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 30।
ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैंने बनाया हुआ है बेटा के मेथड। के मेथड से हम इसका आंसर निकालते हैं। कैसे निकालते हैं आइए मैं यहां करके आपको दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, चलो मैं शुरू कर रहा हूं। देखिए मैं अपने प्रिंटआउट से देख रहा हूं, इसमें लिखा हुआ है एक्स अपॉन बी प्लस सी माइनस ए इक्वल्स टू वाई अपॉन सी प्लस ए माइनस बी इक्वल्स टू जेड अपॉन ए प्लस बी माइनस सी। ये है तो हमसे पूछा है, उसने हमसे पूछा है ए, हमसे पूछा है बी माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी माइनस ए इंटू वाई प्लस ए माइनस बी इंटू जेड, इसकी वैल्यू चाहिए। अब देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व वैसे करेंगे, देखो ये टर्म्स आपस में इक्वल हैं, जब कई सारे टर्म्स आपस में इक्वल हों और हमें कुछ वैल्यू कैलकुलेट करनी हो या कुछ प्रूव करना हो तो हम लोग यूज़ करते हैं के मेथड। के मेथड क्या होता है मैं बताता हूँ। देखो x अपॉन बी प्लस सी माइनस ए इक्वल्स टू वाई अपॉन सी प्लस ए माइनस बी इक्वल्स टू जेड अपॉन ए प्लस बी माइनस सी, इसको के बराबर अज्यूम कर लिया स्टेप वन। स्टेप वन अब इससे होगा क्या भाई, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये के बराबर, तो इंडिविजुअली ये भी के बराबर, ये भी के बराबर और ये भी के बराबर। अच्छा तो मैं पुट करता हूँ वैल्यू। अब ये आ गया x अपॉन बी प्लस सी माइनस ए इक्वल्स टू के y अपॉन, ये y है बेटा, c प्लस ए माइनस बी इक्वल्स टू के z अपॉन ए प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू के, और k को हम लिख सकते हैं k बाई वन। और अगर मैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लूँ तो x की वैल्यू कितनी आ गई, k इंटू बी प्लस सी माइनस ए, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो y की वैल्यू आ गई k इंटू सी प्लस ए माइनस बी, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो z की वैल्यू आ गई k इंटू ए प्लस बी माइनस सी। अब आप देखो मेरे पास x y z की वैल्यू k के टर्म्स में आ रखी है। अब क्या करेंगे, ये जो प्रूव करना है x की जगह पे x की वैल्यू, y की जगह पे y की वैल्यू, z की जगह पे z की वैल्यू पुट कर देंगे। लीजिए मैंने पुट किया, अब ये हो गया b माइनस सी इंटू एक्स सी माइनस ए इंटू वाई ए माइनस बी इंटू जेड, इसकी वैल्यू चाहिए। तो b माइनस सी, x की जगह लिख दिया b प्लस सी माइनस ए इंटू के, फिर c माइनस ए, y की जगह लिख दिया c प्लस ए माइनस बी इंटू के, फिर a माइनस बी, z की जगह लिख दिया a प्लस बी माइनस सी इंटू के। अब आप नोटिस करो फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों ही टर्म में k कॉमन है, कॉमन निकाल लो। तो यहाँ बच गया b माइनस सी, b प्लस सी माइनस ए, c माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी, और ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस सी, मल्टीप्लाई कर लो। तो बी को बी से मल्टीप्लाई किया बी स्क्वायर, बी को सी से मल्टीप्लाई किया बी सी, बी को ए से मल्टीप्लाई किया ए बी, ऐसे सी को कर ले तो माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी सी माइनस ए सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी। और अगर इन सब में मल्टीप्लाइड है के, और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये देखो बी स्क्वायर नेगेटिव पॉजिटिव, बी सी पॉजिटिव, बी सी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, सी स्क्वायर नेगेटिव पॉजिटिव, ए सी पॉजिटिव, ए सी नेगेटिव, और ए सी पॉजिटिव अगेन, ए सी नेगेटिव, बी सी नेगेटिव, बी सी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव पॉजिटिव, ए स्क्वायर नेगेटिव पॉजिटिव, ये हो गया के मल्टीप्लाइड बाई जीरो, मीन्स योर आंसर इज जीरो। तो ये है के मेथड। देखो क्या लिखवाया मैंने यहाँ पे,
यहाँ पे हमने लिखा व्हेन टू और मोर रेशियोज आर इन प्रपोर्शन एंड वी हैव टू प्रूव समथिंग और वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ एनीथिंग देन वी अप्लाई के मेथड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स. कौन सा? अज्यूम ऑल इक्वल क्वांटिटीज इक्वल्स टू के, जो आपस में इक्वल थी वैल्यूज उनको के बराबर ले लिया. फाइंड वैल्यू ऑफ नेसेसरी वेरिएबल इन द टर्म्स ऑफ के, एक्स वाई जेड की वैल्यू के टर्म्स में निकाल ली एंड पुट दिस वैल्यू इन द एक्सप्रेशन विच इज टू बी प्रूव. हमें जो प्रूव करना था उसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू रख दी और ये जो निकल के आया वो आंसर हो गया. तो ये हुआ के मेथड, ये हुआ के मेथड. आगे बढ़ते हैं. हाँ जी बेटा, अब एक आखिरी कंसेप्ट रह जाता है इस चैप्टर में. हम लोग के एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस आते हैं मिक्सचर और एलिगेशन को लेके. तो मिक्सचर और एलिगेशन के क्वेश्चंस आप कैसे करोगे? तो इसके क्वेश्चंस आप ट्रिक से करोगे. मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ, बस आप देखना. देखिए, अब एक मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको और फिर वहाँ से आपको क्लियर हो पाएगा. ये आप देखो जरा, 37 क्वेश्चन. देखो क्या लिखा है. लिखा है बेटा, इस क्वेश्चन में लिखा है दो तरह की टी हैं किसी बिजनेसमैन के पास. मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो क्या लिखा है. इन व्हाट रेशियो शुड टी वर्थ 10 रुपीज़ पर केजी. मान लिया ये टी 1 है, ये है रुपीज़ 10 पर केजी. बी मिक्स्ड विद टी वर्थ 14 रुपीज़ पर केजी. इसमें टी 14 रुपीज़ पर केजी, 14 रुपीज़ पर केजी. हमारे पास कोई टी सेलर है, उसके पास दो अलग अलग वैरायटी की टी है. एक है 10 रुपीज़ पर केजी, दूसरी है 14 रुपीज़ पर केजी. अब हमसे कह रहा है किस रेशियो में इनको मिक्स करें जिससे इसका एवरेज प्राइस 11 आ जाए. देखो ऐसा है ना, दो वैरायटी की टी है, एक सस्ती है एक महंगी है. सस्ती वाली 10 रुपीज़ केजी है, महंगी वाली 14 रुपीज़ केजी है. वो उनको मिक्स करना चाहता है ऐसे कि जिससे उसको 11 रुपीज़ में बेच दे, उसको 11 रुपीज़ में बेच दे. तो अब हम ऐसे करेंगे, किस प्राइस में बेचना चाहता है? 11 रुपीज़ में. आप पहले फर्स्ट वैरायटी यहाँ लिखोगे, सेकंड वैरायटी यहाँ लिखोगे. अब ये इनका मिक्सचर होगा ना, वो 11 में बेचना चाहता है. तो अब यहाँ से इसको माइनस करेंगे, ये कितना आ गया? प्लस थ्री. यहाँ से इसको माइनस करेंगे, ये कितना आ गया? 1. मैंने पहली वैरायटी की टी लिखी, दूसरी वैरायटी की टी लिखी और ये एवरेज प्राइस लिखा. अब यहाँ से इसको माइनस किया, ये कितना आ गया? 1, वो भी माइनस का. यहाँ से इसको माइनस किया तो ये कितना आ गया? 3. अब हम रेशियो निकाल लें बेटा, रेशियो. तो इस माइनस को इग्नोर करेंगे, ये ट्रिक है, ये ट्रिक है. तो इसका जो रेशियो होगा वो कितना होगा? 3:1. और आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 3:1. क्या क्वेश्चन था? किसी टी सेलर के पास एक सस्ती टी है और एक महंगी है. अब वो दोनों को मिला के उनके एक एवरेज प्राइस पे बेचना चाहता है. तो आप क्या करो, पहले का प्राइस एक जगह लिखो, दूसरे का प्राइस एक जगह लिखो और उनके एवरेज का प्राइस एक जगह लिखो. यहाँ से इसको माइनस किया जो आंसर आया लिख लिया, यहाँ से इसको माइनस किया जो आंसर आया लिख लिया और प्लस माइनस को इग्नोर किया. ठीक है, तो इसका रेशियो हो गया 3:1. तो अगर हम इसको 3:1 में मिक्स करेंगे तो ये 11 रुपीज़ में सेल आउट हो जाएगी. आप देख भी लो. देखो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली टी लेंगे 3 केजी, तो 1 केजी अगर 1 केजी अगर 10 रुपीज़ की है तो 3 केजी कितने की हो जाएगी? 30 रुपीज़. बोलो, ये वाली टी लोगे 1 केजी तो ये कितने की है? 14. तो 14 मतलब ये टोटल कितने का हो गया? ये हो गया 44 का. और कितने केजी? 3, ये 1 है, 4 केजी ना. तो अगर 4 केजी 44 रुपीज़ का है बेटा, तो वन केजी हो जाएगा, डिवाइड कर दोगे 11, तो वही तो निकल के आ गया ना. तो इस ट्रिक से आप काम करेंगे. उम्मीद है ये चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा. इस चैप्टर में बताने के लिए इतना ही था बेटा. और सारे क्वेश्चंस कर लेना, सारे कंसेप्ट मैंने डिस्कस कर लिया. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. और अभी तो मैं रिकॉर्डेड सेशन दे रहा हूँ आप लोग को. अगर आपको लाइव सेशन चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो. अगर सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स रहा, ज़्यादा स्टूडेंट रहे, तो ज़रूर मैं लाइव क्लास भी लूँगा टाइम निकाल के, है ना. सारा सिलेबस करेंगे, चिंता मत करना. बस साथ साथ काम करते जाना, ज़रूर निकलेगा, बहुत अच्छे से
क्लियर करोगे। बिल्कुल भी टफ नहीं है, बिल्कुल आसान है सब कुछ, ठीक है? तो अब मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।